हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फेस के एजेस को कैसे ड्रॉ करना है, मींस किनारों को कैसे ड्रॉ करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले पिक्चर चूज़ कर लिया मैंने, ये मेरे फाइल मैनेजर में जूम नहीं हो रहा है तो इसे मैं पिक्स आर्ट में सेंड कर रहा हूँ। और पिक्स आर्ट में आप कितना भी जूम कर सकते हो, तो जितना आपको ड्राॅइंग बनाना है उतना बड़ा मोबाइल में जूम करके रख लेना एंड उसे कम मत करना बिल्कुल भी। और पेंसिल हमेशा शार्प होनी चाहिए। सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ कर लिया मैंने एंड उसके बाद ध्यान रखना है कि स्किन जो बना रहे हो आप उसको आउटलाइन से थोड़ा डार्क करना है। आउटलाइन अगर जितना लाइट है तो उसे थोड़ा डार्क करना है स्किन को, तब एजेस परफेक्ट आएंगे। एंड मैं अभी शेडिंग कर रहा हूँ। शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्लीन ब्लेंडिंग स्टंप लेना है और उसे ब्लेंड कर देना। ब्लेंडिंग कंप्लीट हो चुका है, अब मैं आधा पार्ट को ड्रॉ करूंगा। एंड इस ड्राइंग को मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं और जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहा हूं। तो आउटलाइन में ब्लेंडिंग कंप्लीट हो चुका है, अब मैं आधा पार्ट को ड्रॉ करूंगा एंड इस ड्राइंग को मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ और जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आउटलाइन में मिस्टेक्स हो सकता है, बट इस वीडियो का टॉपिक ड्राइंग को परफेक्ट नहीं बनाना है बल्कि एजेस को परफेक्ट बनाना है। तो मैं एजेस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। कुछ लोग का ड्राॅइंग में देखा हो इंस्टाग्राम में या FB में, जब भी अपलोड करते हैं अपनी ड्राॅइंग का, तो एजेस को एकदम डार्क कर देते हैं जो कि अच्छा नहीं लगता। एंड स्टार्टिंग में मैं खुद ड्राइंग ड्रॉ करता था तब मैं वैसे ही करता था, बट जैसे जैसे अब बना एंड इसीलिए इस वीडियो बना दिया कि कुछ लोगों की हेल्प हो सके एंड वो देख के सीख सके कैसे ड्रॉ करना है। एंड अगेन एजेस का पार्ट है, पहले मैं आउटलाइन बना चुका हूँ, अब धीरे धीरे ब्लेंड करना है इसमें। एंड आई होप इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने मिला होगा। हो सके तो लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया तो। एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।